सोलन नगर निगम चुनावों में नामांकन का अंतिम दौर था। सभी दिग्गज नेता दलबल के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में काफी जोश देखा गया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने भी नामांकन भरा। सुबह से ही बाढ़ में काफी भीड़ कार्यकर्ताओं की रही और एक के बाद एक कई दिग्गज नेता मौके पर मौजूद रहे। सोलन के विधायक धनीराम शौंडिल, हरीश जनार्था, जिलाध्यक्ष शिव कुमार के साथ बाढ़ 10 के प्रत्याशी ईशा पराशर काफी समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। ईशा पराशर शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद की धर्म पत्नी है, इसलिए बाढ़ को जीतना कांग्रेस की नाक का सवाल बना हुआ है। बाढ़ नंबर 10 से कांग्रेस प्रत्याशी ईशा पराशर ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया और कहा कि उन पर कांग्रेस ने विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा उनके बाढ़ में बेहद विकास किया गया, वे इस विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और विकास के पहिए को रुकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने बाढ़ में पार्क बनाना चाहते हैं और आधुनिक सुविधाओं से लैस करना चाहते हैं ताकि किसी भी बाढ़वासी को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। देखिए, पहले तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे कांग्रेस की टिकट दी, और कर्नल धनीराम शांडिल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और मैं सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ना चाहूँगी। देखिए, कुछ समय से मैं अपने वार्ड में जा रही हूँ तो मैंने सड़क को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके, पार्किंग को लेके और कूड़े को लेके समस्याएं पाई है। तो जो समस्या मैंने पाई है उसका हम लोग, जैसे शांडिल साहब जी ने हमारे को फंड भी प्रोवाइड किया है तो उसके लिए भी हम 2 लाख अपने चौरी घाटी के लिए भी लेके आए हैं, वहाँ की पार्किंग निर्माण के लिए, और फॉरेस्ट रोड पे भी टाइल्स लगवाने के लिए लेके आए हैं, और अपने JBT रोड पे भी टाइल्स लगवाने के लिए हम फंड लेके आए हैं। और इसके अलावा भी जो समस्याएं आगे भी रहेगी उसके लिए भी मैं कार्य करूँगी और सभी के सहयोग के साथ आगे बढ़ूँगी। जी, क्या लगता है कि हमारे वार्ड में कोई भी पार्क नहीं है तो हम एक्चुअली अपने वार्ड में पार्क निर्माण करेंगे, तो इस पे मैं कार्य करना चाहूँगी। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप सब अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें और मुझे वोट और सपोर्ट करें।